हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है और सॉक्स भी मैंने पहने नहीं है, बाकी सॉक्स के बिल में रहती नहीं हूँ। और अभी मेरे लिए मैं ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ, सर्दी के लड्डू। और इससे पहले मैं पीऊँगी ग्रीन टी, कुछ दिनों से मैंने मेरी मॉर्निंग में ऐड की है, तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और चिकू तो अभी तक सोए हुए हैं क्योंकि कल रात को लेट भी आए थे और थक भी गए थे, सो उनको सोने देते हैं। अपन ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलते हैं, नहीं तो डिस्टर्बेंस होगा। कल रात को लेट आने की वजह से चिकू ने ब्लॉग एडिट किया नहीं था, अभी कर रहे हैं ब्लॉग एडिट। और मुझे अभी नहाने के लिए जाना है, पर इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी बाहर कचरा फेंकने गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, नहाने का ही नहीं हो रहा है अब तो। नहाना पड़ेगा क्योंकि लेट भी हो गई हूँ। टाइम हो गया, वॉच मैंने चार्ज पर रख दिया, अभी 10:45 तो हो गई है। मन को मार के नहा लेते हैं चलो। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के बाद नहा लिया है और इतनी ठंड लग रही है बहुत ही ज़्यादा। मुझे यानी खुद को कन्वेंस करने में ही आधा एक घंटा लग गया नहाने आई हूँ। और अभी सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि पैरों में अगर ठंड लगती बंद हो गई तो मुझे बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर आ जाएगा। स्किन केयर भी कर रही हूँ, अभी लगा रही हूँ डार्क स्पॉट रिमूवर क्योंकि थोड़े थोड़े पिम्पल्स के अभी स्पॉट्स रह गए, इसलिए ये दो तीन से चार दिनों में तो ये ख़त्म हो जाएंगे। और लास्टली फेस को अच्छे से ग्लो देने के लिए मिशेल का सनस्क्रीन। अब रहता है लास्ट परफ्यूम, तो परफ्यूम भी लगा देते हैं। ब्लिंग लगा देती हूँ। कम्प्लीटली रेडी हो चुकी हूँ, अब खाना वगैरह बना देते हैं और फिर चलेंगे शॉप पर। और क्या बनाना अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे डिसाइड होता है वैसे बताती हूँ। फाइनली डिसाइड हो गया है कि खाने में क्या क्या बनने वाला है। खाने में बनने वाला है मूंग की दाल और मटर के छिलके की सब्जी। जो मटर हमने कल बनाए थे उनके छिलके अच्छे थे, तो मम्मी ने ऊपर की सारी लेयर निकाल के अंदर का जो अच्छा पार्ट था वो रहने दिया। मुझे भी पता नहीं है, मैं भी पहली बार खाने वाली मटर के छिलके की सब्जी। और ये दाल फ्राई करने की तैयारी कर दी है, लहसुन कूट दिया है, टमाटर कट कर दिए हैं, प्याज कट कर दिया है, एक दो हरी मिर्ची ले लेती हूँ। रात के पड़े हुए हैं पुलाव, तो वो भी खा लेंगे। थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे जानबूझ के क्योंकि चिकू को बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं ठंडे चावल, इसलिए खाना हमारा बन चुका है। दाल बन गई है और ये मटर के छिलके की सब्जी भी बन गई है। अभी बनाऊंगी रोटी और एक एक करके सबको खिला दूंगी। खाना बनके कंप्लीट रेडी हो चुका है और मैंने मेरी प्लेट भर दी है। खाने में आज जैसे कि मैंने बताया था, दाल, मटर के छिलकों की सब्जी, रात वाले पुलाव और रोटी। तो जल्दी से कर देती हूँ खाने को ख़त्म और फिर जाना है शॉप पर। खाना वगैरह सब हो गया है, अब जाती हूँ शॉप पर क्योंकि चिकू तो रखने आएंगे नहीं, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, हम भी तो वो रेस्ट कर रहे हैं दवाई लेके। जगू क्या बोलती हूँ, आ गई हूँ शॉप पर और अभी कस्टमर आने वाले हैं, उनका कॉल आ गया है, तो जल्दी से मैं मेरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। आज नया अभी मैं नहाने जा रहा हूँ इसलिए करके रोक रखे रखा। अच्छा रुकना है ना। ओए ये देखो फोन देखा तूने? ये अभी हमारी कॉफी पार्टी चल रही है, कॉफी आ गई है, अभी हम सब जने कॉफी पिएंगे और मैं भी बड़े दिनों के बाद कॉफी पीने वाली हूँ। ये मास्टर जी रेडी होके आ गए। जा रहे हो कॉफी नहीं पीनी? मैं एक टक्को भी नहीं ना। अभी करवा रही हूँ मैं हेयर ऑयलिंग क्योंकि 3-4 दिन हो गए हेयर ऑयल हुआ नहीं है। पर आज पूरा दिन काफ़ी बिजी था इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि कस्टमर भी कंफर्टेबल होते नहीं है इसलिए। और अभी मैंने करवा दी मेरे हैंड्स पे वैक्सिंग क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वैक्सिंग करवाई नहीं थी। और मैंने वाइट नेल पेंट लगाई है, अब बताऊँगी कौन सी लगाई है बाहर जाकर, क्योंकि एक हाथ में लगाई है एक हाथ में लगानी बाकी है। अच्छी लग रही है वाइट नेल पेंट भी। हेयर ऑयलिंग हो गई है, अब चलते हैं घर पर और घर पर जाके कुछ आज स्पेशल बनाते खाने में। अभी हो गया है क्लोजिंग का टाइम और हमारे दुकान पे आया है हैप्पी। ये हैप्पी स्क्वायर है और ये भागता ही रहता है कैमरे से और इसकी बातें मैं आपको कभी चुपके से सुनाऊंगी, इसकी बातें कितनी गजब की रहती है। यानी अंदर भाग गया,
वो वाली आवाज सुना तू जो तेरे खेत में आती है, गांवों में आती है, इसके 12 से 3 बजे के बीच में ही आती है वो आवाज। क्या आती है? ये ऐसे आती है। सही में आती है तो? सही में आती है। हैप्पी बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय सुनो। नहीं। बाय बाय। ध्यान से। बाय बाय का पैर पे लग नहीं जाए। अभी जा रहे हैं दाबेली के लिए शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि दाबेली आ रहा है मुँह में। फिर यार मेरे को दाबेली का बनाती हूँ मैं। अभी हम जा रहे हैं पाव भाजी की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सारा सामान हो गया ख़त्म, तो लेने जाते हैं। ये कोकोनट मिल्क ड्रिंक ट्राई करनी। और क्या चाहिए था? फुल शॉपिंग और ठंड लग रही है और सर्दी हो गई है, इतने केयरलेस हो। शिमला मिर्ची है? हाँ है। शिमला मिर्ची दे दो। कितनी चाहिए? आधा किलो। और क्या क्या सब्जी है? सब है, आपको क्या चाहिए? सब है पर याद नहीं आ रहा। आप नाम लो, सब मिल जाएगा। घर पर आ गए हैं और चिकू को लग रही है थोड़ी भूख, तो चिकू कुछ दे देती हूँ केकली खाने के लिए। पर मैंने कर ली है पाव भाजी की तैयारी, तो यहाँ पर मटर, आलू, गाजर और टमाटर, इन तीनों को मैं अच्छे से बॉईल कर दूँगी ताकि अच्छे से क्रश हो जाए। चिकू को भूख ज़्यादा लग रही थी तो एक पाव ही दे देती हूँ। और हम करते हैं पाव भाजी की तैयारी। सबसे पहले कुकर में पानी है, उसको सुखा देती हूँ। यहाँ पर हो रही है हमारी सब्जियाँ बॉईल। अब कर देते हैं मसाले की तैयारी, तो कुछ सब्जियाँ है वो चॉप कर देती हूँ एंड देन हम आगे का प्रोसेस करेंगे। प्याज ग्राइंड कर दी है, हालत देख सकते हो आप, रोने वाली हालत हो गई है पूरी। तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और अभी ये मैंने कढ़ाई रख दी है। इस कढ़ाई के अंदर आधा बटर और आधा ऑयल जाएगा और फिर तड़का लगेगा। करो, मेरे को बाल सेकने तो आई नहीं रहे। जूते भी लेंगे बहुत। भाजी तो बना दी, पाव किसको सेकने आते हैं, तो शेफ को उठाना ही पड़ा। सर्विस चालू है, चिकू सेक के दे रहे। पापा को बहुत टेस्टी लगी, इसका मतलब अच्छी है। भाजी सबने खा ली और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया। अब पाव भाजी बनाते बना दी परेशन पर बिखेरा, देखो आप। अब ये पूरा क्लीन करना है, बर्तन तो नहीं धोने पर स्टैंड तो क्लीन करना है। एक बार असिस्टेंट को बता देते हैं कंप्लीट चकाचक। किचन वगैरह क्लीन करके आ गए और अभी मूवी देखेंगे अतरंगी रे, तो वो देखते हैं। अब बहुत ज़्यादा मैं थक भी चुकी हूँ आज। चिकू के लिए ही बनाई थी मैंने पाव भाजी, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो खाना थोड़ा अच्छा खाएंगे तो अच्छा लगेगा यूँ करके। पर खाने का तो टेस्ट ही नहीं आ रहा था उनको, पर फिर बाद में रह गया आ गया थोड़ा थोड़ा, पर उन्होंने भी हेल्प की। और आज का व्लॉग अगर यहाँ तक देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय। कोई लग गई।